यार आज हम हैं लेह लद्दाख। हम कल रात को यहाँ पे आए हैं। हम सरचू से निकले थे सुबह 9:30 बजे और रात को 8-9 बजे यहाँ पहुँचे लद्दाख में। तो रात को हमने यहीं स्टे किया था और अच्छा है, रूम काफ़ी अच्छा है, होटल भी अच्छा है, सर्विस अच्छी है। तो आज रात को भी हम रुकेंगे। तो आज हम जो लद्दाख में ना छोटी मोटी जगह हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, आज वो हम कवर करेंगे। तो उसके बाद हम कल निकलेंगे खार दुंगला के लिए। तो आज हम दिखाएंगे लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं जो फेमस हैं और कौन कौन से टेम्पल हैं यहाँ पे। तो मैं तो अभी होटल के टेरिस पे हूँ क्योंकि अभी हमने यहाँ आके कपड़े धोए थे, अपने सारे कपड़े गंदे हो गए थे जैसे। तो अभी मैं आपको अपनी बाइक के दिखाता हूँ और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसे दिख रहा है टेरिस से, होटल के टेरिस से। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे होटल के टेरिस से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है लद्दाख का। वहाँ पे वाइट पहाड़, यहाँ पे ब्राउन पहाड़ और कुछ घर दिख रहे हैं वहाँ पे पहाड़ के ऊपर। और वो नीचे खड़ी है अपनी बाइक के सारी वहाँ पे। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से लद्दाख की छोटी मोटी जो जगह हैं वो कवर करने, वहाँ घूमने, उसे देखने। रेडी हो गए हैं सब, बस मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर, आपको भी लद्दाख का पूरा नज़ारा दिखाएंगे अभी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मॉनेस्ट्री जो कि लेह में ही है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी खूबसूरत है। चल के देखते हैं अंदर से। इसमें बहुत सारे अभी भी बहुत सारी किताब है, प्राचीन किताब
जो केवल हमारे या महर्षि के वंश किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, इसमें बुद्धिज्म की स्टंजा श्लोक होते हैं, मंत्र आदि होता है, ये पूरे लद्दाख में चाहे वो सहजन के आसपास से वो चांदा तक जाए या शाओक से जांसकर तक, पूरे हर लद्दाख के पूरे में मनुष्य में ये लिखा हुआ होता है। लेकिन भारत सरकार की भारत ने पूरे आपके दिल्ली मुंबई में जितने भी विद्वान हो उसका इसके विषय में कुछ नहीं नॉलेज नहीं जी नहीं ठीक है जाइए जाता कथा जो है स्टोरी होता है, जैसे आपके वहाँ पर की उद्देश्य पंचतंत्र आदि, उसी तरह बुद्धिज्म की जाता कथा होता है, उसमें 544 स्टोरी होता है, जानवरों की स्टोरी होता है, ज्यादातर जो वैदिक शास्त्र है या उसकी हर स्टोरी की आन में एक लेसन होता है, शिक्षा होता है। लेकिन वो ये तो ऐसा नहीं, फिर भी इसके विषय में हम दोबारा बताता हूँ। इसको वो हम संसार चक्कर बोलता है या भव चक्कर भी कह सकते हैं, आज की भाषा में तभी लोग लाइफ बोलता है। अब संसार चक्कर में या ये संसार का नक्शा है मैप ऐसा कह सकते, संसार चक्कर में 6 गति या 6 होता है, जैसे मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग, भूत प्रेत लोग, नरक के लोग, जानवर के लोग हुआ ना 6। अब 6 है, जैसे आपकी पुरानी किताबों में 84 लाख यूनिया ऐसे कहते हैं, वो पूरा इस 6 में आ जाता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, क्या पुनर्जन्म को मानने वाले रिलीजन क्या कहते हैं कि हम कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी असुर, भूत, प्रेत, नरक या जानवरों के रूप में जन्म लेता है, हम इधर उधर भटकता है और दुख भोगते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये बीच में जो 3 चित्र जो है, सांप, पक्षी, सुअर, ये राग द्वेष मोह का प्रतीक, यानी सांप जो है गुस्सा, अहंकार, गमन, ईगो का प्रतीक है, पक्षी जो है लोभ, लालच, कामना, डिजायर का प्रतीक है, सुअर जो है अज्ञानता, मूर्खता, इग्नोरेंस का प्रतीक। यानी हम जो कुछ भी काम करते हैं, या तो हम गुस्सा या गमन या ईगो के कारण कुछ करते हैं, या हम लोभ लालच के पीछे भागते हैं, या तो हम अज्ञानता या मूर्खता से कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, वो क्रम बनता है, वो हमें प्रेरित करते हैं बुरे क्रम में, ऐसा कहता है। यानी ये संसार के मूल कारण है, इसी के कारण हम इधर उधर भटकते हैं, कहते ये तो आप भी कहते हैं ना जी। अब यहाँ से थोड़ा बुद्धिज्म का व्याख्या थोड़ा अलग होता है, अलग इसलिए होता है, देखिए बहुत लोग ने कहा कि आज तक कहा कि आप अच्छा करो, भला करो तो आप मरने के बाद आपको स्वाद मिलेगा, नहीं तो आप नरक भी जाएगा। और कुछ लोग ने यह कहा कि यूरोप ने ये कहा आप अच्छा करो, भला करो तो मरने के बाद आपको हेवन मिलेगा, नहीं तो आप हेल में जाएगा। और कुछ अरब आदि ने क्या कहा कि आप अच्छा करो, भला करो तो पुण्य कमाओ तो आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगा, नहीं तो आप जन्नत में जाएगा। यानी जन्नत को, स्वर्ग को, हेवन को मोक्ष की तरह, इंसान के आखिरी गोल की तरह, फाइनल गोल की तरह पेश किया। लेकिन बुद्धिज्म यहाँ पर उसको मोक्ष नहीं मानता, वो जन्नत को, स्वर्ग को, हेवन को मोक्ष नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसके रीजन बुद्धिज्म के अनुसार वो मोक्ष नहीं है, क्योंकि उस वहाँ पर रहने वाले लोगों को यहाँ की भाषा में देवी देवता कहते हैं, पश्चिम के लोग गॉड गॉडेस कहते हैं, अरब के लोग परी या फरिश्ता कहते हैं, वो क्या फर्क पड़ता है पानी का है या वाटर का है, लेकिन है तो देव लोग का, वो मोक्ष नहीं है। क्योंकि उसके अंदर में, उन लोगों के अंदर में भी बहुत सारी बुराई है, जैसे मैं और आपकी तरह, उनके अंदर में भी ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, गमन है, लोग लालच है, छल कपट है, राजनीति है, तो इसके कहते हैं बुद्धिज्म मोक्ष नहीं है। बुद्धिज्म के अनुसार यह तो ऐसा हुआ है कि एक आदमी गरीब झोपड़पट्टी से निकल के बड़े होटल में चला गया, यहाँ पर ज़्यादा सुविधा इतना नहीं, वहाँ पर सुविधा है, ऐसा आपने स्थान बदल लिया, आप जैसा है वही का वही, यहाँ से निकल के वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसलिए बुद्धिज्म उसको मोक्ष नहीं मानता है, जन्नत है, स्वर्ग को,
तो क्या है बुद्धिज्म के अनुसार मोक्ष? यहाँ पर गौतम बुद्ध का श्लोक आता है, सब पाप संग आकरण कुशल सब संपदा सचिव परियोधन एतानम बोधनम शासनम। ये दो श्लोक स्टंजा कहता है कि हमें अपने बुरे सोच को निकलना है, काटना है, और अपने बुरे संस्कार को वो कुछ होली किताब पढ़ने से, किसी की प्रार्थना करने से, किसी मंदिर की दर्शन करने से, इतने सस्ते में वो नहीं हारते हैं, नहीं निकलते है, बुरे सोच संस्कार ऐसे निकलता है तो जगत की आधे लोगों को मोक्ष मिला हुआ होता। इसलिए बुद्धिज्म के ऊपर इसलिए बहुत मेहनत लगता है, ध्यान मेडिटेशन से ही, केवल ध्यान मेडिटेशन से ही आपका बुरे सोच निकाल सकता है, तो तभी आपको यहाँ से छुटकारा पाएगा। वो तो आपको मनुष्य लोक में यानी इस लोक में भी ये प्राप्त हासिल हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, अपने बुरे सोच को निकाल सकता है ध्यान मेडिटेशन के जरिए। इसके लिए आपको जन्नत में स्वर्ग में ये हेवन में जाने की जरूरत नहीं, ये कहते हैं ठीक। अब तो ये हुआ, फिर वो यमराज से जीवन मृत्यु का देवता, यहाँ पर पति दशा उत्पत्ति पा रहा है, मैं वहाँ पर विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से थोड़ा इसकी इतिहास बताना चाहता हूँ, यदि आप रूपा समय है तो बताऊँ क्या है, नहीं छोड़ दो ठीक है, चलते ठीक ठीक ठीक। अपनी मॉनेस्ट्री अभी निकल रहे हैं कहीं और के लिए, और हमने इसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी सुंदर है, और ये बता रहे हैं कि फ्यूचर बुद्धा के बारे में, बाकी है काफ़ी खूबसूरत, तो अभी चलते हैं।